मरा नहीं बस अकड़ा हुआ है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, लेकिन इसकी वास्तविकता से आपको रूबरू कराते हैं। कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक वर्ष का बच्चा अकाल मौत का शिकार हो गया। परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं उनका बच्चा मर गया है। बच्चे के एक रिश्तेदार ने बताया कि तनिष्क को साधारण उल्टी दस्त लगे थे। जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर रिकवरी हो जाएगी, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी जब वह बच्चा ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि रेफ़र कर दो, और बीती रात नर्स ने यह सूचना दी कि बच्चा मर गया है। लेकिन डॉक्टर साहब यह मानने को तैयार नहीं और बिल पर बिल बनाए जा रहे हैं। चलिए आज आगे आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर डॉक्टर और परिजनों का क्या कहना है। हम दवाई ले आए और आपने जो समझ में आई दवाई दी और वो आपने अपनी थ्यूरी पर रख दिया। वो कहते हैं ये टीका ला करके जमा कराना पड़ता है, हमें नहीं पता जो टीका जी। इनका मतलब ये था कि अपना एक्सपेरिमेंट कर बताया जाए, अपना एक्सपीरियंस कराया जाए, अपना एक्सपीरियंस इन्होंने बनाया जी। डॉक्टर साहब जी, बच्चा 1 साल का है जी, बच्चा 11 महीने का जी, 11 महीने का 10 साल का नीतीश बच्चा है जी। अस्पताल में कट्टर साहब जी, मैं किसी भी अस्पताल में गया जी, PGI से लग मैंने गया जी, मेरी वाइफ भी रही, किसी भी डॉक्टर साहब ने बच्चे के इलाज वास्ते टीका लगवाने वास्ते कभी भी किसी डॉक्टर साहब ने उसके साइन नहीं दिए। डॉक्टर साहब इनकी थ्योरी ये थी कि अगर ये टीका रिएक्शन कर जाता है, अगर ये टीका रिएक्शन कर जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसकी जिम्मेवारी खुद बाहर से पूछ करके टीका लगाएगी, टीका लगाने या नहीं लगाते। इनकी अंतरली भावना ही थी, बच्चों को गुमराह करते गए। हमें बार बार बेनती करने पर इन्होंने कोई इंसाफ नहीं दिया, कोई सही ट्रीटमेंट नहीं, गलत ट्रीटमेंट करके झूठे न हुआ लारे दे करके हमको इनको बच्चे को ऑक्सीजन देते रहे, ICU पर रखे गए, दिल्ली से इनको सलाह ली, MRI इन्होंने यानी कि प्राइवेट की। अब चले गरीब आदमी दिहाड़ीदार मजदूर बंदे यानी कि इन्होंने जाकर के बेचारे ने किस किस के यानी कि इन्होंने टुम्मा सारे अपने कपड़े जितने मकान भी बेच करके नहीं इलाज पे लगा दिया, 3-4 लाख रुपया ला करके। डॉक्टर की गारंटी देने के बावजूद भी इन्होंने मान लो यानी कि कोई यानी कि यहाँ से संतोषजनक रिहाई नहीं मिली। मानो जी इसी बेनती है जी, कट्टर साहब आपकी शरण ली थी महाराज मुख्यमंत्री, आप प्रमाद हो, इसलिए आप यानी के हमें इंसाफ दुआया जाए। डॉक्टर से बनती जो कार्रवाई करके जो कानूनी कार्रवाई करके, अगर हम गलत हैं डॉक्टर साहब हमें इसी टाइम सारे परिवार को सूली चढ़ा दे, बस हम तो ये चाहते हैं। या डॉक्टर साहब अपने इष्ट देवता किसी को मानता होगा या नेम करते अपने बच्चे का, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ती है डॉक्टर साहब। हमने सर हर बार पूछने हर बार रिक्वेस्ट करने पर भी फिर भी यही जवाब देगा, बच्चा ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगेगा, नुका ठीक हो जाएगा, ठीक होगा का। अरे आप क्या लगते हैं बच्चे का? मैं बच्चे का दादा हूँ, मोहनलाल बच्चे का दादा। अपने बयान दे रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने हर वक्त प्रार्थना करने पर भी पूछा मैंने हर बार कि बच्चे की हालत कैसी है, कह रहा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक है, क्योंकि बच्चा ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन उसके बाद आज से 4 दिन पहले बच्चा होश था, उसके बाद जो भी कार्रवाई उसके बाद आँख तक नहीं खोली, तो इस पोजीशन पे है कि बच्चा अब क्या हुआ, बच्चा कहाँ है, क्या बात हुई? बच्चा डेड बॉडी बढ़िया, पर ICU में वेंटिलेटर चला रखे अभी, तो क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब क्या करें, क्या कहेंगे? हर बार नेट पे सर्च मार के हर बार दिल्ली फोन करके पूछ रहे, इधर फोन करके पूछ रहे, अगली ये सिचुएशन है क्या करें, जो टेबलेट वगैरह बता दी हो दे दी ठाके। क्या नाम था बच्चे का और क्या लगते हैं आप? बच्चे का नाम तनिष, कौन से गांव से हो? गांव रतनगढ़ शाहबाद मारकंडा। कब एडमिट कब हुआ था यहाँ पे? 17 तारीख को। अब क्या लगता है? 17 जून मैं मौसम हो गया, फर्क पड़ने लगा। बीच में बच्चे ने आंखें खोलनी भी शुरू कर दी थी, पर ब्रेन की ब्लीडिंग बढ़ने की वजह से बाद में कल इसका सवेरे एक पीपल डायलेट हो गया, और उसके बाद हमने इनको बता दिया था कि अगर ये वापस मुड़ गया दिमाग की सोजिश की दवाइयाँ कम करने से तो कुछ काम चल जाएगा, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है, अब बच्चा आपका मुश्किल है निकलना। ये सारा लिखा हुआ भी होता है, डेली हम काउंसलिंग करते हैं, डेली लिखवाते हैं, डेली साइन लेते हैं। वो काउंसलिंग की फ़ाइल और रिपोर्टों की फ़ाइल इन्होंने उठा लिया और इनकी गाड़ी में रखी हुई है, वो हमको अपना रिकॉर्ड भी पूरा चाहिए ताकि हम बता सकें। ठीक है,
तो टोटल मिलाकर डेली की डेली पिक्चर, डेली टेस्ट होते हैं, डेली की डेली पिक्चर इनके सामने थी और हम अपनी फाइल पे भी सारे नोट्स डेली डाल रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये इस पे भी लिखा हुआ है, ये कल शाम का भी लिखा हुआ है, रात का 9 बजे का, पीपल आर फिक्स डायलेटेड, पेरेंट्स अटेंडेंट्स आर एक्सप्लेन अबाउट ब्रेन डेथ एंड रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अटेंडेंट्स आर नॉट रेडी टू प्रेजेंटली फॉर विड्रॉल ऑफ देयर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया टेबलेट पेट्रिल और पैसिटेन देनी है, तो उन्होंने कहा जी ये दोनों गोलियां बंद कर दो, तो हमने उनके कहने, उनके रिस्पेक्ट करते हुए वो दो गोली उनकी बंद कर दी और बाकी पेशेंट को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे अभी तक रखा हुआ। ब्रेन डेड बताया है इनको कि जब पुतली नहीं चलती तो तकरीबन ब्रेन डेड होता है, और ब्रेन डेड हो जाए तो मशीन चाहे शरीर को हम महीना चला लें, 4 दिन चला लें, तो उसके बारे में हमने इनको एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद भी अगर ये कहीं ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, उसका बस एक बेनिफिट होगा, बचने के चांसेस तो उसके नहीं है, पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या था क्या नहीं था, कहाँ पर ट्रीटमेंट में कोई गलती हुई या क्या बीमारी थी। बीमारी अपने आप में बहुत सीरियस थी, सारे ब्रेन में ब्लीडिंग है इसका, हमारे पास MRI लिया उसका, चाहें तो ले जा सकते हैं, पर जब ब्रेन में ब्लीडिंग है, CT scan इसका हुआ, MRI हुआ है, उसमें सारे में मल्टीपल ब्लीडिंग है, तो जितनी कोशिश कर सकते थे की, और पिछले 7 दिनों से हमने इसको फ्री भी रखा हुआ है, ये कह रहा था कि मैं अफोर्ड नहीं करता, तो हमने कहा था दवाइयों का और टेस्टों का तो काम कर ले, बाकी हम कर को टोटली फ्री कर रहे हैं। तो एक बार बीच में इंप्रूवमेंट आई, बच्चे ने आंखें उंखें खोलनी शुरू की, और इसको न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट ने भी देखा, डॉक्टर अजीत सिंह हमारे पास आते हैं दिल्ली से, वो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे लगातार भी कॉन्टैक्ट चल रहा है, उन्होंने पर्सनली भी देखा, MRI जो कराया है, MRI में सारी ब्रेन में हेमरेज है, तो ज़्यादा होने से उसके प्लेटलेट बहुत कम थे, इसका खून नहीं जम रहा था, वो सारे जो इसका INR है वो बहुत ज़्यादा था, और ये PCT 0.05 होना चाहिए, 40.4 था, तो सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस अपने आप जानलेवा है, प्लेटलेट इसके बहुत ज़्यादा कम थे, तो हम इसमें पूरी कोशिश कर रहे थे, ये गरीब थे तो हमने इनको एक हफ्ते से पीछे फ्री भी रखा हुआ है, वेंटिलेशन भी फ्री है, नहीं तो वेंटिलेशन और उस पर रखने में एक दिन का 10,000 का खर्चा पड़ता है हॉस्पिटल का, और उसके अलावा जो दवाइयाँ लगती हैं, टेस्ट लगते हैं बहुत, तो हमने इनको कहा था दवाइयों और टेस्ट अगर तुम पुगा लोगे तो हम बाकी काम। परिवार कह रहा है सर कोई फ़ोन गया किसी नर्स का कि बच्चा एक्सपायर हो गया? नहीं नहीं, एक्सपायर नहीं होगा, रात इनको बताया ही यही थे, हमने काउंसलिंग भी की, हर चीज़ लिखते हैं, और जो हम वहाँ ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर भी जो आप बोल सुन रहे हो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही वहाँ पर भी मेरे ख्याल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लगी हुई है, वहाँ पर भी सारी 14 दिन की आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पेशेंट के पास। हाँ, तो जो हम बोल रहे हैं डेली हम समझाते हैं, डेली इनको बताते हैं, और हर रोज़ मॉर्निंग में राउंड पे भी जो हमारे राउंड है सारे आप ऑडियो वीडियो से ले सकते हैं, तो जो भी काम है ट्रांसपेरेंट है। हम इस हॉस्पिटल में सिर्फ कुरुक्षेत्र में यही हॉस्पिटल है जहाँ पर बिल्कुल ऑलमोस्ट डाइंग बच्चे हम लेते हैं, अगर 100 बच्चे मरते हुए हमारे पास आए उसमें से भी 60 बच जाते हैं, तो ये तो हम बंद नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल मान लो कोई सांस के साथ आता है, कोई दिल की धड़कन के साथ आता है, किसी का सांस नहीं चल रहा होता, तो हम उनको सबको बचाने में यहाँ पर सक्षम हैं, पर ये ज़िंदगी किसी को मिले ना मिले खुदा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। तो हम अपने ले जाना चाहें तो वो हम मना नहीं करते, हम ले जा सकते हैं, पर PGI में इतना ज़्यादा रश है कि उनको वहाँ ये मशीनें ही नहीं मिल पाती, वेंटिलेटर नहीं मिल पाता, और वो एम्बोवैक पेशेंट के हाथ में पकड़ा देते हैं, अभी भी आप जाएंगे तो इसको मिलेगा नहीं, तो हम ये कहते हैं जिसमें हमको लगता है कि हम पूरी कोशिश कर देते हैं ताकि जो ज़िंदगी एक बार है वो ज़िंदगी पूरी चले, और अगर एक बार ही हम भेज देंगे यहाँ से तो वो ऑलमोस्ट वहाँ पर मशीन मिलने के चांसेस नहीं, प्राइवेट में ये अफोर्ड नहीं करते, PGI में रश बहुत होने की वजह से वेंटिलेटर मिलते नहीं, वहाँ की आप इमरजेंसी की भी जाकर फोटो देख सकते हो, अभी इसको वहाँ पर अगर हम छोड़ेंगे तो आप साथ में चल पड़ना मीडिया की गाड़ी, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कितना इसको मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन की वजह से इसको हायर लेवल के एंटीबायोटिक दिए गए, और इसका PCT पहले शुरू में बढ़ता है, PCT 19 तारीख को 200 से ज़्यादा हो गए, 200 से ऊपर हमारी मशीन नहीं नापती। और कुरुक्षेत्र से अर्थ प्रकाश के लिए कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।